हर हर महादेव दोस्तों, जय बाबा बैद्यनाथ। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। तो अभी हम आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देंगे। पहली वाली वीडियो आप लोग देखे होंगे तो पहले हम वहां पे मंदिर का जानकारी देते थे, सावन मेला का। इस बार आप लोगों को हम सावनी मेला में रास्ते में कैसे कांवरिया लोग चल रहे हैं और पूरे रास्ते में क्या क्या सुविधा है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, बोलबम का नारा लेके सब कोई कांवरिया लोग बाबा मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी कांवरिया लोग हैं सब कोई आ रहे हैं बाबा मंदिर की ओर और जो है ये सब जितने भी कांवरिया है लगभग ये सब सोमवार को जल चढ़ाएंगे। ये सब इलाका में थोड़ा शांति दिखता है क्योंकि ये थोड़ा गांव इलाका है, मार्केट इलाका जो है। आप लोगों को जलेबियाँ, सुइया, ये सब जगह मार्केट इलाका दिखेगा। ये सब पूरा गांव एरिया है, आप देख रहे हो सारे कांवरिया लोग बोलबम बोलबम का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि पंडाल जो है अभी भी काम चल ही रहा है। दुकान वगैरह तो आप लोगों को बहुत दिख जाएगा, देख रहे हो दुकान, बहुत सारा दुकान वगैरह दिख जाएगा। और ये देख रहे हो ऊपर में, यहाँ पर से जो झरना गिरता है ना गर्मी का मौसम में, आप लोगों को यहाँ से पानी का फुवारा गिरते रहेगा ताकि कांवरिया लोगों को गर्मी ना लगे। आप लोगों को पूरे रास्ते में गंगा जी से लेके बाबा धाम तक पूरे रास्ते में आप लोगों को दुकान की कमी नहीं होगी। पूरा दाएं बाएं पूरा दुकान है और यहाँ स्क्रीन में देखो वीडियो चल रहा है, कांवरिया का वीडियो चल रहा है। और शिविर कैंप जो है बहुत ज़्यादा लगा रहता है पूरे रास्ते में, हर चीज़ का आप लोगों को सुविधा मिलते रहेगा। यहाँ देखो बड़े बड़े कावर लेके जो है ना कांवरिया लोग सब आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा धर्मशाला है जहाँ पे एक बार में ना कम से कम 10 से 20 हज़ार कांवरिया रुक सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं कलकतिया धर्मशाला के पास और ये जो मंदिर दिख रहा है ये कलकतिया धर्मशाला के पास ही भोलेनाथ का मंदिर है। अभी आप लोगों को हम धर्मशाला भी दिखाते हैं, कलकतिया धर्मशाला। जो पंडाल दिख रहा है आप लोगों को ये है कलकतिया धर्मशाला का पंडाल। इसके अंदर में बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं और धर्मशाला के बाहर में जो है बहुत सारा दुकान आप लोगों को मिल जाएगा। और कांवरिया लोग देखो भैया, एकदम पूरा जो है ना लाखों की संख्या में कांवरिया सब बाबा धाम जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है पूरे रास्ते में ऐसा ऐसा सेवा आप लोगों को निशुल्क मिलेगा कांवरिया लोगों को। यहाँ पे भैया जो है पैरों में मालिश कर रहे हैं माता बम का, बोल बम बोल बम। तो आप लोग भीड़ देख रहे हो, लाखों की संख्या में कांवरिया लोगों का भीड़ लगा है। आप लोग कौन कौन बाबा धाम कांवर यात्रा में आना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव। और चलिए दुकान की बात करें तो दुकान जो है आप लोगों को पूरे रास्ते में बहुत ज़्यादा दुकान मिल जाएगा, दुकानों की कमी नहीं है, खाने पीने का कमी नहीं है। देख रहे हो दोनों साइड दुकान लगा हुआ है, ये साइड अभी नहीं है, पीछे था ये साइड। और सारे कांवरिया लोग बोलबम का नारा लगा के बाबा मंदिर तरफ जा रहे हैं। पैर में दर्द होता है, हमारे फिटनेस मसाज वाइब्रेटर मशीन पर आइए। कौन सा शिविर है? कौन सा शिविर है? सरासिनी कब से लगा रहे? कब से लगा? सावन में। कितने साल से? कितने साल से? बहुत साल।
हम पिछले दो साल से यहाँ, पिछले दो साल से। तो देखिए ऐसा ऐसा शिविर आप लोगों को पूरे रास्ते में देखने को मिलेगा। क्या सेवा देते हैं आप? क्या सेवा देते हैं? टूरिस्ट, झारखंड टूरिस्ट प्लेस। तो टूरिस्ट प्लेस के बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी मिलेगा कि देवघर नगरी में आप लोग बाबा धाम में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, नंदन पहाड़, त्रिकुट पर्वत वगैरह बहुत जगह है। तो आप लोग आना चाहते हो तो वो जगह बता दो। सरासनी खिजुरिया में भी लगा हुआ है आगे में। अच्छा, उसके आगे मतलब आपको देवघर स्टेशन पे भी मिल जाएगा, हमारा टीम वहाँ पे भी है। तो मंदिर के आसपास और देवघर में बहुत जगह इनका है। तो सरासनी सेवा शिविर में आप लोगों को टूरिस्ट प्लेस के बारे में मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए रास्ते में आप लोगों को पानी चाय का भी सुविधा मिलेगा। यहाँ पे देखो सेवा में लगे हुए हैं सब भैया लोग पानी पिलाने के लिए। हमारी मांगे पूरी करो, गांजा भांग फ्री करो। देखे।